हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रिंकू राजपूत, लेक्चरर इन RVS पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा। इन्वायरमेंटल स्टडी की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर सीरीज का हमारा दूसरा पार्ट है आपका MCQ क्वेश्चन टाइप का। थ्योरी की जो आपके लेक्चर सीरीज चल रही है उसके 11 लेक्चर अभी तक बन चुके हैं, और जो अभी आपका रिसेंटली टॉपिक कराया गया था वो था आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो MCQ क्लास में अभी हम चल रहे हैं आपके पहले चैप्टर पे, आपके यानी जो आपका इकोलॉजी और एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो उसका पहली क्लास में मैं आपको कुछ 15 क्वेश्चन आपको MCQ प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज की क्लास में मैं आपको 12 MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, और इन 12 के साथ ही मैं एक आपको टेबल दिखाऊंगा। अगर आप उस टेबल को क्या करना है, आपको नोट करना है, वहां से आपका एक MCQ 101% आपका बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इन्वायरमेंट में कितने एलिमेंट होते हैं। जो आपका पर्यावरण है, पर्यावरण में कितने एलिमेंट होते हैं, तो पर्यावरण में एलिमेंट होते हैं 5। 5 कौन कौन से हैं, आपकी अर्थ, ठीक है, अर्थ, वाटर, वाटर, एयर, एनर्जी एंड स्पेस। 5 एलिमेंट कौन कौन से हो गए, वाटर, अर्थ, एयर, एनर्जी एंड स्पेस। ये क्या है, आपके इन्वायरमेंट के एलिमेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, बायोस्फीयर यानी जीव समुदाय कॉम्बिनेशन होता है किस किस का। जो जीव समुदाय कॉम्बिनेशन होता है वो होता है जीव समुदाय प्लस अजैव घटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर कितने प्रकार के होते हैं। जीव मंडल कितने प्रकार के होते हैं। 3। 3 कौन कौन से, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। बायोस्फीयर का मतलब है जीव मंडल कितने प्रकार के होते हैं। जीव मंडल 3 प्रकार के होते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है आपका एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। जो आपकी वायुमंडलीय संरचना रहती है, क्या वायुमंडलीय संरचना जो वो यानी जो आपका एनवायरनमेंट रहता है वो कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर समुद्र तल से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, तो आप बोलो कितना, 500 किलोमीटर। ये याद रखना, ठीक है, 500 किलोमीटर। अब सारे क्वेश्चन मैं इसी पे बनाऊंगा, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आने के चांसेज है। ठीक है, पहला है, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटा गया है। आप सभी जानते हो 4 भागों में बांटा गया है। पहला रहता है आपका ट्रेपोस्फीयर, सेकंड रहता है स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड रहता है मीजोस्फीयर, फोर्थ रहता है थर्मोस्फीयर। ठीक है, फर्स्ट वन ट्रेपोस्फीयर, क्या ट्रेपोस्फीयर, सेकंड वन स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड वन आपका मीजोस्फीयर, फोर्थ वन थर्मोस्फीयर। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं ये चारों नाम। ठीक है, वैसे मैं आगे इन्हीं पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय संरचना में यानी वायुमंडलीय घटना कौन से भाग में होती है। वायुमंडलीय घटना कौन से भाग में रहती है, तो वो कहलाता है आपका ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या रहता है आपका, 0 से 11 किलोमीटर ऊंचाई तक के हिस्से को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। ये डिस्टेंस आपको याद रखनी है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। क्षोभ मंडल यानी 0 से 11 किलोमीटर के जो ऊंचाई की स्पेस है उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। और इसी के अंदर आपकी बादलों का बनना, आपका बारिश का होना, बिजली का कड़कना, तूफान, आंधी आना, इसी आपके मंडल के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर के कौन से भाग का घनत्व सबसे अधिक रहता है, क्योंकि वो है आपका क्षोभ मंडल। क्यों, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही सबसे अधिक गैसें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल में ही सबसे अधिक गैसें पाई जाती हैं, इसीलिए इसका जो घनत्व यानी डेंसिटी रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान कौन से भाग में उड़ते हैं। जो आपके प्लेन होते हैं वो कौन से भाग में उड़ते हैं, वो उड़ते हैं आपके समताप मंडल में। समताप मंडल की ऊंचाई रहती है 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच के हिस्से की ऊंचाई, इसी में आपके क्या उड़ते हैं, इसी में आपके वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन लेयर कौन से भाग में पाई जाती है। ओजोन लेयर आपके समताप मंडल के वाले भाग में पाई जाती है। ओजोन लेयर समताप मंडल वाले भाग में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर कौन से भाग में पाई जाती है, समताप मंडल वाले भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी लेयर का तापमान समान रहता है, यानी कौन से मंडल का तापमान समान रहता है।
समताप मंडल का तापमान क्या रहता है? हमेशा समान रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है समताप, यानी समान ताप वाला मंडल, ठीक है, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपग्रह कौन से मंडल में पाए जाते हैं, यानी जो आपके सैटेलाइट रहते हैं, जो आपके अंतरिक्षयान जो आपके घूमते रहते हैं, वो कौन से भाग में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके आयन मंडल में, यानी थर्मोस्फीयर में। किसमें? आयन मंडल यानी थर्मोस्फीयर में। किसमें? आयन मंडल यानी थर्मोस्फीयर में आपके पाए जाते हैं। मैं आपको चार को एमसीक्यू को आपको क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर रहा, बस मैं आपको एक आंसर दे रहा हूँ, बस आपको यही रटना है। उसमें क्या आपको कुछ समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं कि आपको मैं बेवजह चार लिखवाऊँ, आप बेवजह आंसर, तो सिर्फ आपको यही रटना है। और आप ऐसे रट के जाओगे तो आप, मैं जानता हूँ क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लगा दोगे। और जिस टेबल की मैं बात कर रहा था वो टेबल ये है, ये रही, ठीक है, ये वाली टेबल देखो। पहली है आपकी थर्मो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 0 से 1 किलोमीटर, इसकी है 11 से 50, इसकी है 50 से 85, इसकी है 85 से 500। ये क्या है? चार मंडल आपके पाए जाते हैं, इनका तापमान ये है, ठीक है। ये तापमान है आपको याद नहीं रखना, जो याद रखना है वो ये याद रखना, यानी इसमें आपकी क्या पाई जाती है? सबसे अधिक गैसें पाई जाती हैं, और O3 यानी ओजोन गैस किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। और स्ट्रेटोस्फीयर के साथ साथ वो मीजोस्फीयर में भी कुछ हिस्सा ओजोन गैस का पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।